आज हम कटहल की सब्जी बनाएंगे। देखते ही आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी, तो आप भी बनाइए इसी तरीके से कटहल की सब्जी। तो बस आप एक बार मेरे तरीके से कटहल की सब्जी बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार आप बना के देखिए, आपको इतनी पसंद आएगी कि आप सभी सब्जियों का स्वाद भूल जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस वरुण किचन। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने 500 ग्राम कटहल लिया है। कटहल को हमने पहले से ही कट करके रखा है और कुछ खड़े मसाले लिए हैं, दालचीनी, इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, कुछ बेसिक मसाले लिए हैं हमने, 3 प्याज, 3 टमाटर और लहसुन अदरक, बस यही चाहिए हमें। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को गर्म करने के लिए हमें गैस पे पहले से ही रख दिया है। अब हमने 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है। हमें सरसों का तेल ही लेना है, आप चाहो तो आप दूसरा तेल भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल सबसे अच्छा रहता है। अब कढ़ाई में ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब हम कटहल को फ्राई करेंगे। कटहल को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा है, अब हम वो फ्राई कर लेंगे। कटहल को हमें अलट पलट कर अच्छे तरीके से चारों ओर से फ्राई कर लेना है और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। जब तक कटहल फ्राई हो रहा है, तब तक हम इसके मसाला चॉप कर लेते हैं। थोड़ा सा लहसुन लेंगे, 10 से 15 कलियाँ हमने लहसुन की ली है और 1 इंच अदरक और 2-3 प्याज। अब इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। देखिए क्या बढ़िया, बिल्कुल बारीक चॉप हुआ है ना, आप भी इसी तरीके से करिएगा। देखिए कटहल भी अब फ्राई होने लगा है, थोड़ा थोड़ा फ्राई हो चुका है। 2 मिनट और हम इसको फ्राई करेंगे, 5 से 10 मिनट लगते हैं कटहल को फ्राई करने में। देखिए अब ये भी फ्राई हो चुका है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, एक प्लेट पर निकाल लेते हैं इसको। देखिए अब ये कटहल भी फ्राई हो चुका है। देखिए अब कढ़ाई में ऑयल जो बचा है, अब इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे। जीरा, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, सभी खड़े मसाले हमने ले लिए हैं और हमने थोड़ी सी हींग डाली है। अभी हमने जो मसाला चॉप किया था ना, प्याज, लहसुन, अदरक, बस वही हमने डाला है इसमें। बिल्कुल बारीक चॉप करके डालना है। जब तक ये रोस्ट हो रहा है, तब तक हम 2 टमाटर और हरी मिर्च, इसको भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से प्याज भुन चुकी है। 5 से 10 मिनट लगते हैं प्याज को भुनने में। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है और 1 टीस्पून हमने किचन किंग मसाला और 2 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर और 2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसको हल्का सा भूनेंगे, ठीक है, बस हल्का सा हमें इसको भून लेना। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। अब 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था ना, अब हम वो डाल देंगे इसके अंदर। बस इसमें जो पानी है ना, बस उसी से ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा और इसको 2 मिनट के लिए हम लिड लगा के रख देंगे, जिससे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब भी देखिए टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, देखिए दिख रहा है ना आपको, ऑयल भी सेपरेट हो गया, मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। इसी तरीके से आपको भी भुनना है मसाले को। देखिए अब हमने बीच में मसाले को साइड से कर दिया है। अब हम इसमें फिटा हुआ हमने 1 कटोरी दही लिया है। दही बिल्कुल थिक होना चाहिए और फ्रेश दही होना चाहिए, वरना खट्टा दही लेंगे ना तो मसाला हमारा कटहल की सब्जी खट्टी हो जाएगी। इसलिए हमें बिल्कुल फ्रेश दही लेना है और दही डालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कंटिन्यू हाथ चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को लो पे रखना है। देखिए इसको जब तक उबाल ना आ जाए, तब तक हमें कंटिन्यू हाथ चलाते रहना है, वरना दही फट जाएगा। देखिए अब ये हो चुका है, उबाल भी आ गया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखिए 5 मिनट बाद जब हमने चेक किया तो देखिए इसका ऑयल सेपरेट हो गया। इससे हमें पता चल रहा है ना कि बिल्कुल अच्छे से मसाला भुन चुका है। इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कटहल जो हमने फ्राई करके रखा है ना, वही कटहल हमें इसके अंदर डाल देने हैं और अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसको, अलट पलट के चारों तरफ से हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसको लिड लगा के फिर से रख देंगे 2 मिनट के लिए। देखिए 2 मिनट बाद हमने फिर से चेक किया तो इसे अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। आप पानी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको ड्राई सब्जी रखनी है तो आप 1 कप पानी डालिए। अगर आपको सब्जी थोड़ी सी लिक्विड ही रखनी है तो आप 2 कप पानी डाल सकते हैं। हमने इसमें 2 कप पानी डाला है, जैसे कि अभी कटहल भी कच्चा है, उसको भी पकना है, इसलिए हमने 2 कप पानी डाला है और 10 मिनट के लिए लिड लगा के रख दिया है। और बीच बीच में हम हाथ चलाते रहेंगे इसको खोल के बार बार, और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। देखिए इसका ऑयल देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ना सामने साइड से, तो बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। कटहल की सब्जी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब हम इसको फिर से मिक्स करेंगे।
और 2 मिनट के लिए हम फिर से इसको लिड लगा के रख देंगे। और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो ही रखना है। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे। अब देखिए क्या बढ़िया सब्जी दिख रही है ना, आपको पता चल रहा है ना, बिल्कुल ऑयल भी सेपरेट हो चुका है इसका, आपको पता ही चल रहा है। देखिए सब्जी बन, कटहल की सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए आपका भी मन कर रहा है ना बनाने का, तो बस इस बार आप अपने घर पे इसी तरीके से कटहल की सब्जी बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी, आपकी फैमिली को भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको कटहल की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके बाय, थैंक यू।